बीजापुर से भाजपा के प्रत्याशी रहे महेश गागड़ा ने बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा को मतगणना कार्य से पृथक करने का आरोप एक बार फिर दोहराया है। महेश गागड़ा ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस आशय का एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें बीजापुर के कलेक्टर के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने और अपना झुकाव कांग्रेस व कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति प्रदर्शित करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने इस बात को भी गंभीर बताया है कि कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने के लिए पहले ही दिए जा चुके आवेदन के बाद भी भारत निर्वाचन आयोग ने इन अधिकारियों को नहीं हटाया। ये सब गड़बड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा की जा रही है। भाजपा ने बीजापुर विधानसभा सीट की मतगणना की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की है। विजय करो आईडी। बीजापुर कलेक्टर को लेकर लगातार हम शिकायत कर रहे थे और शिकायत के बाद किस तरह से कार्रवाई नहीं हुआ और जिस तरह से उनका भूमिका था लगातार उसके बाद भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी वहाँ पे जैसे बात आ रही है देख रहे हैं सभी मेरे साथ जितने प्रत्याशी हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जिनके निर्वाचन प्रक्रिया पे और चुनाव प्रक्रिया पे उनका भरोसा है सभी लोगों ने शिकायत भी किया कि इस तरह से अधिकारी को यहाँ से बाहर किया जाए। उस बात बाहर नहीं किया। आज देखिए लगातार विधायक के निवास भी जा रहे हैं और विधायक के लगातार कलेक्टर साथ मीटिंग कर रहे हैं तो हमें लगा कि जिस तरह चुनाव उन्होंने डिस्टर्ब करने की पूरा कोशिश किया लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही और काउंटिंग से पहले कि उनको हटाया जाए ऐसा हमने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि यार उनकी जो एक्टिविटीज रहा जिस तरह से उनका भूमिका रही है वहाँ पर तमाम चीजें उनको विस्तार से बताया गया है। इससे पहले भी आपने शिकायत की निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या लगती है, शिकायत का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? लोकतंत्र में और जिस तरह से पर्व में निर्वाचन का भूमिका होना चाहिए, निर्वाचन कार्यालय भूमिका होना चाहिए। इस समय छत्तीसगढ़ में निर्वाचन का जो प्रदेश है राज्य का निर्वाचन का बिल्कुल शून्य था। इतने शिकायत करने के बाद भी मेरे ख्याल से हम 7-8 शिकायत करने के बाद भी वो अधिकारी जमातार आज भी वहाँ पे बैठ के और जो हथकंडा अपना सकता अपना रहा है और आज भी अगर नहीं करते हैं तो हमने कहा है कि लोगों का और जनता का लोकतंत्र पे खासकर निष्पक्ष चुनाव की जब बात करते हैं उसे विश्वास उड़ जाएगा। ठीक ठीक ठीक।